चुनाव प्रचार वाला नहीं, विदाउट चुनाव प्रचार का अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान से लेके पवन सिंह से लेके खेसारी लाल यादव से लेके सब कोई, डोनाल्ड ट्रंप से लेके पुतिन से लेके सी जिनपिंग से लेके पाकिस्तान का वो नजायज सब है, सब इमरान खान और सब, वो सब सबका देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 30 दिन में 80 को गाना मेरे ऊपर बना, वो पब्लिसिटी नहीं है। तो मोदी जी करे तो राष्ट्र लीला, हम करे तो कैरेक्टर लीला। गलत बात जो पत्रकार को गाली दे रहा है, कम से कम पत्रकार भाई लोग इतना ख्याल रखे कि जो पत्रकार को गाली दे रहा है उसका सपोर्ट ना, दोबारा उसके पास जाए। हम अगले मुद्दा पे लग जाते हैं, फिर तुम्हें चांस देंगे हम दूसरे मुद्दे पर विरोध करने का, मौका देंगे हम, तो अपना काम करते निकलते जाओ। तो ऊपर गाना बनता है, उसको तो पैसा देके बनता है, वो तो अपने प्रचार के लिए करता है। सुनिए, आप लोग जाके यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं बढ़िया तरह से, और कुछ सीबीआई में काम करते होंगे तो वो लोग जो सीबीआई पूरा इंटेलिजेंस एजेंसी का जो है सपोर्ट लेते हुए 30 दिन में 80 से ऊपर लिंक आया है मेरे पास गाना का। 30 डेज में, 30 दिन में 80 से ऊपर मेरे ऊपर गाना बना है, और आप बताइए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि नहीं है, आप बताइए। किसी का भी नाम, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, किसी का नाम रख लीजिए, चुनाव वाला पर चुनाव प्रचार वाला गाना नहीं, चुनाव प्रचार वाला नहीं, तो मोदी जी वह जीत जाएगा हमसे। हाँ सही बात है, वो तो बहुत पीछे छोड़ देगा हमको। चुनाव प्रचार वाला नहीं, विदाउट चुनाव प्रचार का अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान से लेके पवन सिंह से लेके खेसारी लाल यादव से लेके सब कोई, डोनाल्ड ट्रंप से लेके पुतिन से लेके सी जिनपिंग से लेके पाकिस्तान का वो नजायज सब है, सब इमरान खान और सब, वो सब सबका देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 30 दिन में 80 को गाना मेरे ऊपर बना है। ये पूरे पत्रकार समाज के लिए गर्व की बात है, और पत्रकार लोगों पे गाना पहले कहाँ बनता था, तो ये तो गर्व, और मेरे साथ साथ और भी पत्रकारों पे गाना बन रहा है। ये बगल में आपके बगल में खड़े हैं प्रकाश तिवारी जी, आपसे बात करें, राकेश तिवारी और बहुत हैंडसम भी है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आप पे उठ रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं खुद के पब्लिसिटी के लिए लोग से टैटू बनवा दे रहे हैं, गाना गवा दे रहे हैं। मोदी जी वहाँ जाके चीता के साथ फोटो खींचे तो बढ़िया, आओ मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पब्लिसिटी नहीं है भाई एवं बहनों, वो क्या है, मोदी जी फोटो खींच रहे हैं और उनका फोटो तीसरे कैमरा से खींचा जा रहा है, मतलब मोदी जी का तो कैमरा से चीता का फोटो खींच रहा है और दूसरे कैमरा से मोदी जी का फोटो खींच रहा है, और तीसरे कैमरा से उस कैमरा वाले पे ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं वो बंदूक को लेकर तो नहीं आया, उनका लेंस वाला देखा कितना लंबा है, वो पब्लिसिटी नहीं है, वो पब्लिसिटी नहीं है। तो मोदी जी करे तो राष्ट्र लीला, हम करे तो कैरेक्टर लीला। गलत बात ये चीज है। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब आप पे यह आरोप लगने लगा है कि आप जहां मदद करने जाते हैं उससे पहले उसका सेटिंग कर लेते हैं कि भाई तोरा का हम दे दिलवा दे रहे डोनेशन, खूब बढ़िया चंदा उदा जाएगा, उसके बाद आधा उसमें से हम लेंगे, उसके बाद उसका खुलासा हो जा रहा है और सच्चाई कुछ और आ जा रहा है, उसके बाद आप साइलेंट हो जा रहे हैं। होते रहे, हम साइलेंट नहीं होते हैं, हम एगो मुद्दा करते हैं दूसरे पे लग जाते हैं, हम एगो घाव को कोढ़ काहे बनाएंगे, बार बार खुदरिएगा घाव तो वो कोड़े बनेगा ना, बनता है कि नहीं है, जी जी कहावत है कि घाव को बार बार खुजरिएगा तो वो कोड़ बन जाता है और ज्यादा घाव। तो हम नहीं, हम अगले मुद्दा पे लग जाते हैं, फिर तुम्हें चांस देंगे हम दूसरे मुद्दे पे विरोध करने का, मौका देंगे, तो अपना काम करते हैं निकलते जाते। लास्ट सवाल के साथ हम यहाँ खत्म करेंगे कि अभी पत्रकारों को बड़ा अच्छा अच्छा तरीका से गलियाया गया, डाटा गया, रेला गया, पता ना क्या क्या किया गया, मंच से माइक से पता ना कहाँ कहाँ से। तो यहाँ सवाल ये है कि जो लोग जो गलिया रहे उनका चमचा गिरी कर रहे हैं, वो प्रमाण पत्र लेके आ रहे हैं, जो उनके खिलाफ जा रहे हैं वो मीडिया, अगर कोई पत्रकार को गाली दे रहा है सबसे अधिक गाली, सुनिए नहीं पड़ा इनको, नहीं पड़ा नहीं, वो तो देने वाले को देने दीजिए, वो तो हमको भी दिया। जो पत्रकार को गाली दे रहा है, कम से कम पत्रकार भाई लोग इतना ख्याल रखे कि जो पत्रकार को गाली दे रहा है उसका सपोर्ट ना, दोबारा उसके पास जाए ही नहीं। पत्रकार के आगे मोदी जी नतमस्तक हो जाते हैं, पत्रकार के आगे जो है डोनाल्ड ट्रंप नतमस्तक हो जाते हैं, हम लोगों में एकता नहीं है, जिस दिन एकता हो जाएगा पत्रकार को कोई गाली नहीं। लाइटिंग देख चंदन टेलीकॉम।
राजनीतिक मुद्दा है हमारा। मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस समझिए ना, मुख्यमंत्री बड़ा बना दे बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं मेकअप से लेके जाता है ले आज आप लोग देखिए कि कितने पत्रकार पहले मदद करते हैं। आज से एक साल पहले कोई अपने पॉकेट से पैसा निकाल के देते थे, देते होंगे हम नहीं कहेंगे, नहीं तो नहीं तो लोग नेट पे डालने लगेंगे कि हमने दिया है, लेकिन दिखता नहीं था ये भी बात। आज देखिए आज हम लोगों के साथ जितने पत्रकार आधा से अपने लोग सुनिए ना, जाके स्कूल में माइक चला लेते हैं तो मैसेज कर देखिए आपका टैक्स लगेगा, आपको टैक्स मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम लोगों के साथ फोटो खिंचवा रही है तो विवाद के लिए भी तैयार रहिएगा। विवाद बहुत ज्यादा हो रहा है, कल को कोई फेसबुक पे फोटो डाल के बोलेगा मनीष का। मेरी अपनी कोई मेरा छोटा भाई है, मैंने शादी नहीं किया है, मेरा छोटा भाई है, और किसी ने फेसबुक पे डाल दिया था क्या कि मनीष कश्यप ने अपने भाभी के साथ गलत किया था इसलिए जेल गया। पहले 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 जांच तो लो कि मेरा बड़ा भाई है कि नहीं है, मेरी भाभी है कि नहीं है। अभी 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 बेगूसराय में जो कांड हुआ है, उसका मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, ठीक है। एक दानापुर के आदमी है जिनके साथ मेरा फोटो है, उनका फोटो डाल के और उनके फोटो को घेर के बोला जा रहा है कि मनीष का सब मुख्य आरोपी के साथ रिपोर्टिंग नहीं नहीं और पीछे थोड़ा सा कभी जी और रुक जाइए नहीं भैया है ना पर इस पे देखिए ना।